अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आफ्टर डिस्कसिंग द फर्स्ट टाइप ऑफ इंडक्शन दैट वाज सेल्फ इंडक्शन, हमने सारा कुछ वो एक्सप्लेन किया इन टू और थ्री लेक्चर्स। नाउ वी विल डिस्कस अनदर पार्ट ऑफ दिस, अनदर टाइप ऑफ इंडक्शन दैट यूजुअली कॉल्ड एज द म्यूचुअल इंडक्शन। नाउ म्यूचुअल इंडक्शन क्या है? सिंपली वो फिनोमिनन है, द फिनोमिनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। वंस अगेन, चूंकि सेल्फ इंडक्शन में भी इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता था, लेकिन वो सेम कॉइल में होता था जिसमें हम करंट को चेंज करते थे, वेरी करते थे करंट को, उसी कॉइल में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता था उसको हम कहते थे सेल्फ इंडक्शन। लेकिन फ़र्क क्या है यहाँ पे? यहाँ पे भी वंस अगेन ये वही फिनोमिनन है, यहाँ पे भी इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट जनरेट होगा, लेकिन यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ एक कॉइल में जनरेट होगा जब हम करंट किसी दूसरी नेबरिंग कॉइल में चेंज करेंगे, ठीक है ना। तो ही कहते हैं द फिनोमिनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट इन वन कॉइल बाय चेंजिंग द करंट, और करंट चेंज होने की वजह से वहां पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, या उस मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से उसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा इन नेबरिंग कॉइल विथ विच इट इज मैग्नेटिकली लिंकड इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्शन। यानी वो फिनोमिनन है जिसमें एक्चुअली वन सेकेंड इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट एक कॉइल में जनरेट होता है जब हम उसके साथ उसकी नेबरहुड में एक और कॉइल हम रखते हैं, तो विच मीन्स यहाँ पे दो कॉइल्स होंगी। सेल्फ इंडक्शन में एक ही कॉइल होती थी, यहाँ पे दो कॉइल्स होंगी, नेबरहुड में दो कॉइल्स होंगी। तो हम एक कॉइल में जब करंट चेंज करेंगे तो उस कॉइल में करंट चेंज होने की वजह से उसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, उसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। तो उसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से नेबरिंग पार्ट में, नेबरिंग में जब कॉइल हमने रखी है उसका मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होता, तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है। तो इस फिनोमिनन को हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज म्यूचुअल इंडक्शन। यानी सिंपली द फिनोमिनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट इन वन कॉइल बाय चेंजिंग द करंट और व्हाट वी कॉल एज मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स इन द नेबरिंग कॉइल विथ विच इट इज मैग्नेटिकली लिंकड इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्शन। मैं लिख के भी रखूंगा आपको, सिंपल में आपने याद रखे हैं। सिंपली आप इस तरह भी कह सकते हो, द फिनोमिनन अकॉर्डिंग टू विच एन अपोजिंग ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन अ कॉइल एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन करंट और मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ नेबरिंग कॉइल इज कॉल्ड एज म्यूचुअल इंडक्शन। चाहे आप पहले तरीके से कहो, चाहे आप दूसरे तरीके से कहो, इट इज वन इन द सेम थिंग। सिंपली मैं यहाँ पे लिख के रखूंगा, द फिनोमिनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ induced EMF या current in one coil by changing the current, current change होने की वजह से उसमें क्या होगा, उसका magnetic field and hence magnetic flux change होगा उस coil का, ठीक है ना, in the नेबरिंग कॉइल विथ विच इट इज मैग्नेटिकली लिंक्ड इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है ना। ये वो फिनोमिन है जिसमें क्या होगा, प्रोड्यूस होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ एक कॉइल में जब हम दूसरी कॉइल में करंट चेंज करेंगे जिसके साथ वो मैग्नेटिकली लिंकड है। तो देयरफॉर बेटा इस प्रोसेस को हम सिंपली कहते हैं ये म्यूचुअल इंडक्शन है, या इस तरह भी इसको कोट कर सकते हो, ये वो फिनोमिन है अकॉर्डिंग टू विच एन अपोजिंग ईएमएफ, वो आपको भी पता चलेगा, वो आपको ऑलरेडी पता है, वो लेंज लॉ में बताता है कि एक अपोजिंग ईएमएफ प्रोड्यूस होता है इन अ कॉइल एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन करंट और मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकड विथ अ नेबरिंग कॉइल इज कॉल्ड एज म्यूचुअल इंडक्शन। इस तरह भी आपको एक्सप्लेन कर सकते हो। नाउ इस इंड्यूस्ड ईएमएफ को जो वहां पे इंड्यूस्ड ईएमएफ अब जनरेट होगा बेटा, इसको हम म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ कहेंगे। एंड अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ इट विल ऑलवेज अपोज द कॉज। कॉज क्या है? कॉज है चेंज इन मेन ओरिजिनल करंट, जो मेन ओरिजिनल करंट वहां पे प्रोड्यूस चेंज होता है वो ऑलवेज उसको अपोज करेगा, दस विल एक्ट एज ए बैक ईएमएफ, आपको ऑलरेडी पता है। नाउ इस फिनोमिनन ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन को हम डेमोन्स्ट्रेट में आपको करा के दूंगा यहाँ पे, एक्चुअली इसको डेमोन्स्ट्रेशन में यहाँ पे आपको ज्यादा समझ में आएगा। हम क्या कहते हैं, हम कंसिडर करते हैं अब दो कॉइल्स, ठीक है ना, ये हम दो कॉइल्स यहाँ पे लेंगे, एक ये लेंगे, दीज आर टू इंडक्टर्स, ठीक है ना, ये एक इंडक्टर है गल्वानोमीटर इसके साथ लगा हुआ है, दो कॉइल है और एक कॉइल यहाँ पे है, के साथ एक बैटरी कनेक्ट हुई होती है और एक की लगी हुई होती है, ठीक है ना,
की है, ये एक की है इसमें बेटा, इसको प्राइमरी कॉइल कहते हैं और इसको सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। वी आर कंसिडरिंग टू कॉइल, दैट्स पी एंड एस, दैट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल, विच आर यूजली टू कॉइल्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर के बने हुए होते हैं। ये कॉपर वायर होते हैं जो एक्चुअली बहुत क्लोज होते हैं एक दूसरे के। यहाँ पे आप देख सकते हो दे आर इन क्लोज प्रॉक्सिमेटेड टू ईच अदर। द प्राइमरी कॉइल इज कनेक्टेड टू अ बैटरी, हमेशा इसकी पहचान ही होती है। प्राइमरी कॉइल में क्या होती है, एक बैटरी होती है और एक की होती है। सेकेंडरी कॉइल में सिंपली एक गलवानोमीटर आपको मिलेगा और कुछ भी नहीं मिलेगा वहाँ पे, ठीक है ना। एक सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। देखो बेटा, अब ये हमेशा आपने याद रखना है कि जब भी म्यूचुअल इंडक्शन होगा तो दो कॉइल्स होंगे। एक कॉइल तो प्राइमरी कॉइल होगी जिसमें एक्चुअली हम करंट को पास चेंज करवाएंगे, क्योंकि इसी के साथ बैटरी कनेक्ट हुई होती है, और एक क्लोज प्रॉक्सिमिटी, हालांकि देर इज नो कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू, बट दे आर लाइक क्लोज टू ईच अदर, दे आर इन नेबरहुड विथ ईच अदर, देर इज नो एक्चुअल कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू, उनके दरमियान एक गैप होती है लेकिन स्टिल नेबरहुड में होती है। और सेकेंडरी कॉइल में हमेशा क्या आपको कैसे इसमें एक सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर मिलेगा। अब देखो बेटा, जैसे ही हम की को क्लोज करेंगे, इसको कहते हैं मेक ऑफ सर्किट, ज्यूरिंग द मेक ऑफ द सर्किट। मेक ऑफ सर्किट मतलब जैसे हम की को क्लोज करेंगे, तो जैसे हमने की को क्लोज किया सर्किट कंप्लीट हो गया, तो करंट विल फ्लो थ्रू दिस, है ना। तो देयरफॉर मेक द सर्किट बाय प्रेसिंग द की के, सो दैट करंट इन द प्राइमरी कॉइल इंक्रीजेस, है ना, चेंजेस फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम। पहले जीरो था जब ओपन स्विच थी यहाँ पे, जैसे स्विच क्लोज की गई वो करंट इंक्रीज हो गया फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम इन सर्टन इंटरवल ऑफ टाइम। किसी कुछ कुछ टाइम में क्या होगा कि करंट स्टार्ट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। तो ज्यूरिंग द मेक ऑफ द सर्किट करंट तो प्राइमरी कॉइल इंक्रीज, सो दैट जो मैग्नेटिक फ्लक्स इसके साथ लिंक होता है ना प्राइमरी कॉइल के साथ, ये भी इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स इसका चेंज हो जाएगा। तो देयरफॉर इन जनरल वी से ज्यूरिंग द मेक ऑफ द सर्किट करंट विल पास थ्रू द प्राइमरी कॉइल ड्यू टू विच एन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द प्राइमरी कॉइल ऑल्सो स्टार्ट इंक्रीजिंग, चेंजेस सिंपल में यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होगा। तो एज सेकेंडरी कॉइल क्या है, ये तो क्लोज प्रॉक्सिमिटी इसके नेबरहुड में लाई कर रही है, प्राइमरी कॉइल के नेबरहुड में लाई कर रही है, तो कुछ लाइनस सम लाई मैग्नेटिक फील्ड लाइनस पास थ्रू इट, कुछ लाइनस इस सेकेंडरी कॉइल में भी पास होंगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइनस जहाँ पे प्रोड्यूस होती है, इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ तो वही ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज हो रही है, तो मैग्नेटिक कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइनस सेकेंडरी कॉइल में भी इंटर हो जाएंगी, ठीक है ना। तो देयरफॉर एज सेकेंडरी कॉइल इज इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू प्राइमरी कॉइल, सम लाइन्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल पास थ्रू इट द सेकेंडरी कॉइल, सो दैट मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल आल्सो चेंजेस। तो उसकी वजह से हालांकि हमने यहाँ पे करंट चेंज किया, करंट चेंज होने की वजह से इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इसकी चेंज हुई, तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स यहाँ से जाएंगी सेकेंडरी कॉइल में एंटर हो जाएंगी, जैसे वो सेकेंडरी कॉइल में एंटर हो जाएंगी तो सेकेंडरी कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स विल स्टार्ट ऑल्सो इंक्रीजिंग फ्रॉम जीरो टू सम वैल्यू, जीरो टू सम मैक्सिमम वैल्यू, यहां पे भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। तो देयरफॉर ड्यू टू दिस चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स एंड इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल। तो इस जब इसका मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल का चेंज हुआ, तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से एक इंड्यूस्ड ईएमएफ, एक इंड्यूस्ड करंट इस सेकेंडरी कॉइल में जनरेट होगा, विच विल बी सीन बाय डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इन वन डायरेक्शन। जो आपको कैसे पता चलेगा, खुद ब खुद आप देखोगे गैल्वेनोमीटर में एक डिफ्लेक्शन होगी, हालांकि हमने कोई करंट इसमें पास नहीं किया, करंट यहां पे आप पास करोगे डिफ्लेक्शन ऑफ सेकेंडरी कॉइल में देखोगे। तो दिस डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर which is connected in secondary coil clearly shows that induced current is produced in the secondary coil, है ना। किसी एक डायरेक्शन में आपको डिफ्लेक्शन दिखाएगा, तो डिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, डिफ्लेक्शन का मतलब यह है कि सेकेंडरी कॉइल में एक करंट प्रोड्यूस हुआ, दैट इज एक्चुअली द म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ, म्यूचुअल इंड्यूस्ड करंट यहां पे प्रोड्यूस हुआ जब हमने करंट इसमें चेंज किया, ठीक है ना। एंड अकॉर्डिंग टू लेंजेज लॉ ए विल ऑलवेज अपोज द कॉज। अब जो करंट यहाँ पे प्रोड्यूस हो गया, नब लेंजेज लॉ क्या था कि जो करंट यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट आपको मिला वो ऑलवेज अपोज करेगा अपने कॉज को, वो आपको पता है। तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू लेंजेज लॉ जो इंड्यूस्ड करंट एट द मेक ऑफ द सर्किट विल अपोज द कॉज, दैट इज ग्रोथ ऑफ करंट इन द मेन ग्रोथ ऑफ मेन करंट इन द प्राइमरी कॉइल। तो देयरफॉर ये अपोज करेगा अपने कॉज को, कॉज का इसका कॉज है यहाँ पे करंट का इंक्रीज होना। तो देयरफॉर सेकेंडरी कॉइल में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हुआ, इट विल अपोज द ग्रोथ ऑफ करंट, दैट इज इंक्रीज ऑफ मेन करंट इन द प्राइमरी कॉइल बाय फ्लोइंग इन द सेकेंडरी कॉइल इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू इट। यानी कि का वो इस तरह अपोज किस तरह करेगा वो, अब जिस डायरेक्शन में यहाँ पे करंट प्रोड्यूस हो रहा है, डायरेक्शन यहाँ से करंट, ये देखो बेटा यहाँ पे डायरेक्शन आपको करंट की ऐसे मिलेगी। तो देयरफॉर यहाँ पे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आपको मिलेगा ज्यूरिंग द मेक ऑफ द सर्किट वो इस तरह का होगा, एम मैं लिखूंगा, एम मतलब मेक ऑफ सर्किट। रिमेंबर ज्यूरिंग द मेक ऑफ सर्किट द इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट विल बी इन दिस डायरेक्शन, दैट इज अपोजिट टू द मेन ओरिजिनल करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू प्राइमरी कॉइल। दस इट विल अपोज द कॉज, कॉज क्या है, प्रोडक्शन इंक्रीज इन करंट इन दिस डायरेक्शन। तो ये कॉज किस तरह, ये इसके अपोज कैसे करेगा कि ये जब फ्लो करेगा इंड्यूस्ड करंट इस सेकेंडरी कॉइल में, इट विल फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन टू दिस ड्यूरिंग द मेक ऑफ द सर्किट। ये फर्स्ट पार्ट है इसका,
ना समझ। नाउ मूव टुवर्ड द सेकंड पार्ट ड्यूरिंग द ब्रेक ऑफ द सर्किट। ड्यूरिंग ये मेक में हमने देखा मेक के वक्त करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हुआ तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हुआ। नाउ ब्रेक द सर्किट बाय रिलीजिंग ओपनिंग द की के सो दैट द करंट इन द प्राइमरी कॉइल्स विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। तो अब हम ब्रेक करेंगे सर्किट को, की को मैं वंस अगेन ओपन करूंगा। जैसे ही मैंने की को ओपन किया, रिलीज किया की को, सो दैट जो करंट है ये स्टार्ट क्या करेगा, इट नाउ स्टार्ट डिक्रीजिंग फ्रॉम मैक्सिमम टू जीरो। हो गया ना, ऑब्वियसली करंट इसमें डिक्रीज होगा क्योंकि हमने सर्किट को ब्रेक किया किसी भी इंटरवल ऑफ टाइम में। तो अब करंट क्या होगा, डिक्रीज होगा फ्रॉम मैक्सिमम टू जीरो। तो अब वंस अगेन व्हाट विल हैपन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रेक ऑफ सर्किट, द करंट थ्रू द प्राइमरी कॉइल विल डिक्रीज। ऑब्वियसली जैसे हमने ब्रेक किया सर्किट तो प्राइमरी कॉइल में करंट क्या होगा बेटा, वो डिक्रीज होगा। ठीक है ना, तो देयरफॉर जैसे ही करंट प्राइमरी कॉइल में डिक्रीज हुआ, चेंज हुआ यूजुअली, सो दैट इसके जहां तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक है वंस अगेन दैट आल्सो डिक्रीजेस व्हिच मीन अ चेंजेस। अब मैग्नेटिक फ्लक्स फिर से क्या हुआ, चेंज हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स फिर से डिक्रीज हुआ, चेंज हुआ। तो सेकेंडरी कॉइल वंस अगेन वहीं पे है, क्लोज प्रॉक्सिमिटी पे है प्राइमरी कॉइल के, सो देयरफॉर देयर इज अ डिक्रीज इन द मैग्नेटिक फील्ड लाइनस पासिंग थ्रू द सेकेंडरी कॉइल एज वेल। तो वंस अगेन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइनस डिक्रीज होंगी तो मैग्नेटिक, अब सेकेंडरी कॉइल इसके क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है तो देयरफॉर सेकेंडरी कॉइल है ना नजदीक इसके, तो देयरफॉर वहां पे भी जो देयर इज डिक्रीज इन द मैग्नेटिक फील्ड लाइनस या मैग्नेटिक फ्लक्स लाइनस पासिंग थ्रू द सेकेंडरी कॉइल एज वेल। तो इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड लाइनस क्या होंगी, वो डिक्रीज होंगी। पहले वो पास होती थी मेक के वक्त, वो क्लियरली पास होती थी, बाद में जब करंट कांस्टेंट रहता तो यहाँ पे आपको करंट नहीं मिलेगा क्योंकि वहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स अब कांस्टेंट रहता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितनी इंटर हुई उतनी ही बाद में कांस्टेंटली इंटर होती चली जाएंगे, उसकी वजह से इसका मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज नहीं हुआ तो कोई करंट यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होगा। लेकिन जिस वक्त हमने अब करंट को डिक्रीज किया तो वंस अगेन अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितनी पास हो रही थी वो अब कम होनी स्टार्ट हो गई। ठीक है ना, तो देयरफॉर ड्यूरिंग द ब्रेक ऑफ द सर्किट करंट विल डिक्रीज हियर। तो इसके साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होता है वो डिक्रीज होता है, तो देयरफॉर जब इसका मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होता है तो ऑब्वियसली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां इंटर होती थी अब वो भी डिक्रीज हो जाएंगे। तो वंस अगेन इसका भी मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, वो भी डिक्रीज हो जाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स इन जनरल हम कहेंगे वो भी चेंज होगा। तो वंस अगेन जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, चाहे वो इंक्रीज होता हो वहां पे डिक्रीज होता हो, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो वंस अगेन हियर एन इंड्यूस्ड करंट इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस इन द सेकेंडरी कॉइल व्हिच इज वंस अगेन सीन बाय प्रोडक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर बट दिस टाइम इन द अपोजिट डायरेक्शन। जब हमने मेक किया था सर्किट को तो एक डायरेक्शन, फॉर एग्जांपल राइट साइड डायरेक्शन में अगर हमको डिफ्लेक्शन मिली थी, लेकिन जिस वक्त हम ब्रेक करेंगे तो यू विल फाइंड दैट डिफ्लेक्शन विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन, वो लेफ्ट डायरेक्शन में होगी फॉर एग्जांपल। ठीक है ना, तो वो आपको वहां से एक्चुअली पता चलेगा। नाउ अकॉर्डिंग टू लेंज़ लॉ वंस अगेन इंड्यूस्ड ईएमएफ विल अपोज द कॉज, कॉज क्या है इसमें डिक्रीज इन द करंट। अब यहां पे करंट डिक्रीज हुआ तो इंड्यूस्ड ईएमएफ फिर से प्रोड्यूस हुआ, मगर इस वक्त उस इंड्यूस्ड ईएमएफ का कॉज क्या रहा, वो रहा डिक्रीज इन करंट। तो वंस अगेन अकॉर्डिंग टू लेंज़ लॉ दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ विल ऑलवेज अपोज द कॉज, कॉज क्या था डिक्रीज इन करंट। तो देयरफॉर इट विल इसको अपोज कैसे करेगा, इट विल अपोज इट बाय फ्लोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ मैन करंट। अब ये कोशिश करेगा कि नहीं ये डिक्रीज हो रहा है, इसको मैं डिक्रीज होने नहीं दूंगा। ठीक है ना, तो देयरफॉर ये उसको अपोशन दिखाता है मैं इस मैन करंट को बाय फ्लोइंग इट इन द सेम डायरेक्शन इन विच द मैन करंट इज फ्लोइंग इन द प्राइमरी कॉइल। ठीक है ना, तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू लेंज़ लॉ द इंड्यूस्ड करंट एट द ब्रेक ऑफ द सर्किट विल अपोज द कॉज दैट इज डिक्रीज ऑफ द मैन करंट इन द प्राइमरी कॉइल बाय फ्लोइंग इन द सेकेंडरी कॉइल इन इट इज सेम डायरेक्शन। तो ड्यूरिंग द ब्रेक ऑफ सर्किट यू विल फाइंड द करंट विल बी इन दिस डायरेक्शन, दिस इज ब्रेक ऑफ सर्किट। अब इसमें करंट भी इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और आप देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, लेकिन इस वक्त यहाँ पे एक्चुअली करंट डिक्रीज हो रहा था। तो इसने अपोज कैसे किया, इसने इसकी अपोजिट डायरेक्शन में इसको यानी इसकी इसको अपोज कैसे किया, इसकी ही डायरेक्शन में फ्लो हुआ, इसको मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। सो देयरफॉर बेटा दिस वॉज द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, दिस म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन केस ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। तो बेटा आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ पे कि एक्चुअली यहाँ पे भी जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, इंड्यूस्ड करंट, वो भी प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग द मेक एंड ब्रेक ऑफ द सर्किट। जिस वक्त हम सर्किट को मेक करते हैं ब्रेक करते हैं, जिस मीन ड्यूरिंग द ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट, बीच में इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं प्रोड्यूस होगा जब एक्चुअली करंट कांस्टेंट होगा प्राइमरी कॉइल में, उस वक्त आपको यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट नहीं मिलेगा, उस वक्त डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में जीरो होगा। व्हाई, बिकॉज उस वक्त मैग्नेटिक फ्लक्स वैरी नहीं होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स वैरी होता है सिर्फ ड्यूरिंग द इंक्रीज एंड डिक्रीज, दैट इज ड्यूरिंग द मेक एंड ब्रेक ऑफ द सर्किट। तो उस वक्त जब मैग्नेटिक फ्लक्स वैरी हुआ तो उस वक्त इसके साथ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स वो चेंज होती है, तो उसकी वजह से यहां पे इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है। एंड आपने डायरेक्शन भी अकॉर्डिंग टू लेंज़ ला देखा, दोनों केस में इसको अपोज करता है, पहले केस में अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है जिस वक्त करंट इंक्रीज हो रहा था इसमें, लेकिन जिस वक्त करंट डिक्रीज हो रहा था उस वक्त उसी की डायरेक्शन में फ्लो हुआ ताकि उसको मेंटेन करने की कोशिश करता है, तो दोनों केस में इसको अपोज करता। सो देयरफॉर बेटा दस ड्यूरिंग बोथ ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल एंड अपोजिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल, दस एक्सप्लेनिंग अस द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन।
लेकिन एक और चीज़ आप साथ में याद रखना कि जब दो कॉयलें हैं ना इंडक्टिवली इनको कपल किया हमने यहाँ पे, एक एडिशनल इंडक्टिव ईएमएफ प्रोड्यूस होता है ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन, तो प्रोड्यूस होता ही होता है, लेकिन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन ईच ऑफ द टू कॉयल्स ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन एज वेल। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सेल्फ इंडक्शन होगी, ना ना ना, हालांकि इस वक्त दोनों कॉयल है, दोनों कॉयलों में एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, दैट्स म्यूचुअल इंडक्शन, वो इसमें प्रोड्यूस होगा इसकी वजह से। लेकिन इसको याद रखना, इस कॉयल में एक सेल्फ इंडक्शन इसका अपना होगा और इसका अपना सेल्फ इंडक्शन वो यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, तो यहाँ पे सेल्फ इंडक्शन तो है ही है, साथ साथ यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन भी है, ठीक है ना। तो दोनों ऐसा नहीं है कि यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन है तो सेल्फ इंडक्शन गायब हो गया, नो, सेल्फ इंडक्शन इज देयर, बट बिसाइड सेल्फ इंडक्शन देयर इज ऑल्सो म्यूचुअल इंडक्शन, तो ये यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। नाउ कोफिशिएंट ऑफ, आई होप आप इस एक्सपेरिमेंट को, अब चूंकि काफी सिंपल एक्सपेरिमेंट है, यू कैन राइट इट यूर सेल्वस, इट्स क्वाइट ईजी। नाउ आई विल गो फॉर द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ, सॉरी नॉट सेल्फ, इट इज म्यूचुअल, म्यूचुअल इंडक्शन। नाउ विल गो फॉर द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। तो देखो बेटा, हम वन सेकेंड क्या काम कर रहे हैं, वन सेकेंड यही दो कॉयले में ले रहा हूँ, दैट्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉयल, जिस तरह यहाँ पे आपको दिखाया गया है। सपोज जैसे हम इसमें करंट आई, फॉर एग्जाम्पल हम करंट आई इसमें पास करवा रहे हैं प्राइमरी कॉइल में किसी भी इंस्टेंट पे, तो इट हैज बीन फाउंड जो मैग्नेटिक फ्लक्स, आपको ऑलरेडी पता है मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल एट दैट इंस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट प्रोड्यूस्ड इन द प्राइमरी कॉइल एट दैट इंस्टेंट, है ना। ऑब्वियसली जितना आप इसमें करंट इंक्रीज करते चले जाओगे उतना मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू होगा, उतना ही यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ चेंज होगा, तो उतना ही करंट, उतना ही मैग्नेटिक फ्लक्स जनरल में यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, उतना ही इंड्यूस्ड ईएमएफ आपको यहाँ पे मिलेगा। दस मैग्नेटिक फ्लक्स फाई विच इज लिंक्ड विद द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, कीपिंग परमेबिलिटी हम कांस्टेंट रहते हैं, उसका कोई मसला नहीं है। तो देयर फॉर वट आप खुद लिख सकते हो, वेयर कंसिडरिंग टू कॉइल्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल सच दैट करंट फ्लोज आई फ्लोज थ्रू दिस प्राइमरी कॉइल किसी भी इंस्टेंट पे एंड ड्यू टू विच, ओके इट हैज बीन, यहाँ पे मैं लिखूंगा इट एज द मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स किससे रिप्रेजेंट हुआ होता है बेटा, फाई से, लिंकड विद द secondary coil है ना, S coil which is secondary coil at any instant is directly proportional to the current passing through the primary coil at that instant। ये आपको खुद पता है, अभी आपको पता भी चला ऊपर एक्सपेरिमेंट से, कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे लिंक होता है ना सेकेंडरी कॉइल पे किसी भी इंस्टेंट पे, वो स्ट्रेट अवे किस पे डिपेंड करता है, वो इस करंट पे डिपेंड करता है कि कितना करंट प्राइमरी कॉइल पे डिपेंड, जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा यहाँ पे उसका मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी होगा, उतना ज्यादा इंड्यूसिटी में जनरेट होगा। तो देयरफॉर फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ऑब्वियसली। तो याद रखना है फिर से, आपकी जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक है द सेकेंडरी कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द प्राइमरी कॉइल, सिंपल है। जितना करंट ज्यादा होगा उतना इसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ज्यादा होगा प्रोड्यूस, उतना मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा वेरी होगा, उतना ही इसका मैग्नेटिक फ्लक्स भी ज्यादा होगा, क्योंकि उस वक्त ज्यादा ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें एंटर होंगी। तो देयरफॉर जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा इसके साथ मैग्नेटिक फ्लक्स, उतना ज्यादा ईएमएफ, ठीक है ना। अब इस कांस्टेंट को हम रिप्लेस कर, सॉरी इस प्रोपोर्शनलिटी को रिप्लेस करते हैं एक बाय कांस्टेंट एम, दैट फाई इज इक्वलेंट एम आई, और व्हाट इज एम इज कॉल्ड एज द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन और सिंपली म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू कॉइल्स, ठीक है ना। ये जो हमें हमने कांस्टेंट यहां पे लिखा था, एम इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जो हमने लिया था, इसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, याद रखना है। पर यहां पे भी एम इज कांस्टेंट, दैट्स प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट व्हिच इज कॉल्ड एज कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, इट इज कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल, यहां सिंपली म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू कॉइल्स, ठीक है ना। तो देयरफॉर जिस तरह हमने पिछले केस में देखा था सेल्फ इंडक्शन में केस में, यहां पे भी हम उसी तरह इसको एक्सप्लेन करेंगे। इफ I इज इक्वलन टू वन, एक यूनिट, एक एम्पियर होगा, कुछ भी होगा, एक यूनिट हम सिंपल में ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एम्पियर ही हम ज्यादातर लेते हैं, देन phi इज सिंपली इक्वलन टू m, तब आपका phi सिंपली किसके बराबर होगा, m, चूंकि m इंटू वन वो है, दैट्स m। दस म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स ऑफ इज न्यूमेरिकली इक्वल टू, दस म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ वन कॉइल व्हेन ए यूनिट करंट फ्लोज थ्रू द नेबरिंग कॉइल, सिंपल। कि हम कहते हैं कि जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है ना किसी भी दो कॉइल्स में, वो न्यूमेरिकली किसके बराबर है, वो न्यूमेरिकली बराबर है मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक हुआ है एक कॉइल के साथ जब एक यूनिट करंट दूसरी नेबरिंग कॉइल में पास होता है, सिंपल में, दैट्स कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन टू कॉइल्स
या इस तरह भी कह सकते हो आप, द कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन टू कॉइल्स इज द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ वन कॉइल व्हेन अ यूनिट करंट पासेस थ्रू द नेबरिंग कॉइल। चलो मैं यहाँ पे लिख के भी रखूंगा, दस म्यूचुअल इंडक्शन, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एम, दैट इज म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ द टू कॉइल्स इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ वन कॉइल व्हेन ए यूनिट करंट फ्लोज थ्रू द नेबरिंग कॉइल। तो देयरफॉर दस म्यूचुअल इंडक्शन, यहाँ पे आपको बता रहा हूँ मैं, जस्ट म्यूचुअल इंडक्शन किसी भी दो कॉइल्स को न्यूमेरिकली किसके बराबर है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक्ड है किसी एक कॉइल के साथ जब आप यूनिट करंट पास करते हो या फ्लो करता है किसी नेबरिंग कॉइल से। या मैंने आपको इस तरह भी कहा, द कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज बिटवीन टू कॉइल्स, दो कॉइल्स के दरमियान जो कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन है ना वो बेटा सिंपली किसके बराबर है, बिटवीन टू कॉइल इज द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ वन कॉइल व्हेन अ यूनिट करंट फ्लोज थ्रू द अदर कॉइल पासेस थ्रू द अदर नेबरिंग कॉइल। इस तरह भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। नाउ अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, आपको पता है ईएमएफ की बात अब हम करेंगे, हमको पता है फैराडेज लॉज ऑफ ईएमआई की, दैट फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ना वो किसके बराबर होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा बराबर होता है, उसका पहला लॉ भी हमने पढ़ा था, इट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट, ऑलरेडी हमें पता है, ठीक है ना। तो फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, an induced EMF according to Faraday's laws of electromagnetic induction, the induced EMF the induced EMF is equal to किसके बराबर होता है, equal to rate of change of magnetic flux लिंकड विद द सर्किट। ऑलरेडी पता है आपको, इस तरह भी हम लिख सकते हैं कि हमको ऑलरेडी पता है जब हम फैराडेज लॉ कंसिडर करेंगे तो उसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है वो सिंपली किसके बराबर होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक्स। तो ये सिंपली हमारा जो ई है वो सिंपली किसके बराबर है, माइनस डी फाई बाई डी टी, वह नेगेटिव साइन आपको पता है, इट इंक्लूड्स द नेगेटिव साइन, इंक्लूड द लेंज़ लॉ विच इंडिकेट्स जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ है बेटा, इट विल ऑलवेज अपोज द कॉज दैट चेंज इन करंट रेस्पॉन्सिबल फॉर इट्स प्रोडक्शन, यानी नेगेटिव साइन एक्चुअली लेंज़ लॉ की वजह से वहाँ पे है, ठीक है ना। तो देयरफॉर फाइव को आप अपना वैल्यू इसमें दे दीजिए, तो देयरफॉर ई किसके बराबर है, माइनस डी बाई डी टी ऑफ एम इंटू आई, ठीक है ना। तो देयरफॉर एम को बाहर लेके आओ, ये बन जाएगा माइनस एम डी आई बाई डी टी, ठीक है ना। वाई डी आई बाई डी टी क्या है, इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल एट दैट इंस्टेंट, है ना। किसी भी इंस्टेंट पे ये रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट किस में है, प्राइमरी कॉइल में, ठीक है ना। नेगेटिव साइन मैंने आपको बोला अपोजिंग नेचर दिखा रहा है यहाँ पे हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ का, अगर हम मैग्नीट्यूड ही यहाँ पे लेंगे, अगर हम ओनली मैग्नीट्यूड लेंगे तो देयरफॉर आपको सिंपल में इक्वेशन याद रखनी है, ई किसके बराबर है, अब ई है आपके बराबर माइनस एम डी आई बाई डी टी, दिस विल एक्सप्लेन अस द म्यूचुअल इंडक्शन, क्योंकि अगर आपको कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन कहीं पे निकालना है तो एम किसके बराबर आएगा, एम विल बी ई डिवाइड बाई डी आई बाई डी टी विथ माइनस इंक्लूडिंग द लेंज़ लॉ। लेकिन अगर हम ओनली मैग्नीट्यूड ही लेंगे, कंसिडरिंग मैग्नीट्यूड ओनली, मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, ई सिंपली इक्वलेंट एम डी आई बाई डी टी, वैन वी विल लीव आउट द नेगेटिव साइन, लेंज़ लॉ नहीं कंसिडर करेंगे, दैट ई विल बी सिंपली इक्वलेंट एम डी आई बाई डी टी। अगर मैं कहूँगा इफ डी आई बाई डी टी इज इक्वलेंट टू वन यूनिट, वन यूनिट क्या मतलब, वन एम्पियर पर सेकेंड, जैसे मैंने ऊपर वन यूनिट लिखा था उसमें था हमने वन एम्पियर लिख सकते हैं हम, इस तरह इफ डी आई बाई डी टी यहाँ पे वन यूनिट क्या है, वन एम्पियर पर, इस तरह मैं यहाँ पर ब्रैकेट में लिखूंगी, लिख के भी रखूंगा वन एम्पियर पर सेकेंड, है ना, करंट बाई टाइम वन एम्पियर पर सेकेंड, देन बेटा आपका ई किसके बराबर है, देन ई इज इक्वल टू एम, ई किसके बराबर एम, हेनस यहाँ पे आप
कोफिशेंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, जो यहाँ पे हम म्यूचुअल इंडक्शन को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ईएम, द हेनस म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू कॉइल्स इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन वन कॉइल व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज यूनिटी इन द अदर कॉइल। हम कहते हैं कि ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है ना किसी भी दो कॉइल्स के दरमियान, वो न्यूमेरिकली किसके बराबर है? न्यूमेरिकली बराबर है आपके इंड्यूस्ड ईएमएफ के, जो प्रोड्यूस होता है कहाँ पे? एक कॉइल में, जब हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट किसी दूसरी कॉइल में कितना होता है? यूनिटी होता है। ठीक है ना, इस तरह भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो भाई। अदर वी कैन एक्सप्लेन दस कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन टू कॉइल्स इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन द वन कॉइल इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द नेबरिंग कॉइल इज या नेबरिंग कॉइल इज यूनिटी, दैट्स वन एम्पियर पर सेकेंड। ठीक है ना, तो लिख के भी रखूंगा मैं आपको यहाँ पे ये एक्चुअली डेफिनेशन, ये डेफिनेशन मैं आपके लिए यहाँ पे लिख भी लूंगा। हेंस म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स न्यूमेरिकली इक्वल टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन वन कॉइल when the rate of change of current is unity, unity क्या है? 1 ampere per second। ठीक है ना, in the other coil, है ना, समझ में? सिंपल में हम कहते हैं एज फार एज दिस इक्वेशन इज कंसिडर्ड, हम कहेंगे जो यहाँ पर एक्चुअली बेटा हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस है ना किसी भी दो कॉइल्स के दरमियान, न्यूमेरिकली किसके बराबर है? इंड्यूस्ड ईएमएफ के, प्रोड्यूस्ड इन वन कॉइल व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज यूनिटी इन द अदर कॉइल। या मैंने आपको एक और डेफिनेशन सिंपल भी बताई, जो कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन है इस इक्वेशन से, जो कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन है किसी भी दो कॉइल्स के दरमियान इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन वन कॉइल if the rate of change of current in the neighboring coil is, या neighboring circuit is unity, that's 1 ampere per second। ठीक है ना, तो दिस एक्सप्लेनर्स अस थी ए कोफिशियंट। नाउ आपको पता है m किसके बराबर, मैंने आपको अभी भी कहा m किसके बराबर आप लिख सकते हो आप e डिवाइड बाई डी आई बाई डी टी, चूँकि निकालना भी पड़ता है हमें बहुत सारी जगहों पे, आपको m निकालना भी पड़ेगा, तो याद रखना है m इज इक्वल डी आई बाई डी टी। अब यूनिट के बारे में अगर आप बात करोगे तो ईएमएफ वोल्ट में मेजर किया जाएगा, 1 volt हम लेंगे यहाँ पे इसको। अब डी आई बाई डी टी दैट्स 1 ampere per second। ठीक है ना, देन m किसके बराबर आएगा? 1 volt डिवाइड बाई 1 ampere per second। अब ये तो ऊपर चला जाएगा सिंपली, दैट्स 1 henry। ठीक है ना, तो वंस अगेन एक्सप्लेनिंग ऑफ द यूनिट, चाहे सेल्फ इंडक्शन हो म्यूचुअल इंडक्शन हो, यूनिट विल रिमेन द सेम, दैट इज हेनरी। हेनरी इज द ऐसा यूनिट ऑफ दिस म्यूचुअल इंडक्शन। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स इज सेड टू बी 1 henry। कब आप कहोगे कि म्यूचुअल इंडक्टेंस दो कॉइल्स के दरमियान 1 henry है? ठीक है ना, कब? इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज 1 ampere per second इन वन कॉइल इंड्यूसेस एन ईएमएफ ऑफ 1 volt इन द नेबरिंग कॉइल। इस तरह भी आप इसको कह सकते हो बेटा। तो या आप इस तरह अगर आप नहीं कहोगे तो वन मोर वे इज देयर, द कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इंडक्शन बिटवीन टू कॉइल्स इज 1 henry इफ एन ईएमएफ ऑफ 1 volt इज इंड्यूस्ड इन वन कॉइल व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द नेबरिंग कॉइल इज 1 ampere per second। है ना, क्वाइट सिंपल। इसी तरह भी आप याद रखोगे इसको, खुद लिए यहाँ पे आप याद रख सकते हो कि वह हेनरी कब होगा, द कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज 1 henry। याद रखो सिंपल में, द कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स इज 1 henry। कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्टेंस किसी भी दो कॉइल्स के दरमियान 1 henry होगा। कब? जब 1 volt ईएमएफ एक कॉइल में इंड्यूस होगा, जब हम दूसरी कॉइल में करंट किस तरह वेरी होता है? 1 ampere per second, 1 ampere per second जब करंट वेरी होगा। तो वही मैं कह रहा हूँ, द कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन टू कॉइल्स इज 1 henry if an EMF of 1 volt is induced in one coil when the rate of change of current in the neighboring coil is 1 ampere per second. This explains us the unit that's 1 ampere per second, that is the henry. Ab दूसरे मैंने आपको एक हेनरी किसके बराबर, आपको पता हेनरी किसके बराबर है? वोल्ट सेकंड पर एम्पियर लिख सकते हो, चूंकि सेकंड ऊपर जाएगा। हेनरी किसके बराबर है? वोल्ट सेकंड पर एम्पियर।
वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, हाँ, तो विच इज ऑल्सो इक्वलेंट टू वेबर पर एम्पियर, वेबर पर एम्पियर इसके बराबर भी है, यानी कि दिए यूनिट्स ऑफ, लिख सो डिफरेंट यूनिट्स फॉर दिस इंडक्शन, वोल्ट सेकंड पर एम्पियर वही होता है बराबर वेबर पर एम्पियर। प्रैक्टिकली आपको पता है मिली हेनरी, माइक्रो हेनरी वो भी ले सकते हैं, ठीक है ना। सो देयरफॉर बेटा दिस वाज एक्चुअली योर, दिस वाज योर कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है ना। एक और चीज़ में याद रखोगे, जो म्यूचुअल इंडक्शन है ना किसी भी दो कॉइल्स के दरमियान, हैविंग सेल्फ इंडक्टेंसेज एल वन एंड एल टू, यानी कि जब हम सेल्फ इंडक्टेंस, चूंकि यहाँ पे हमने सेल्फ इंडक्टेंस को नेगलेक्ट किया था, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको याद, यहाँ पे आपने याद रखना है कि जब म्यूचुअल इंडक्टेंस किसी भी दो कॉइल्स के दरमियान जिनका अपना, जिनमें जिनमें हम सेल्फ इंडक्टेंस को कंसिडर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एन वन एल टू, तो याद रखो उसमें जो एम आएगा आपको बेटा वो सिंपली आएगा के स्क्वायर एल वन एल टू, ठीक है ना। के इज कॉल्ड एज कोफिशियंट ऑफ कपलिंग, तो उस वक्त कपलिंग कोफिशियंट जो हम आगे भी थोड़ा में थोड़ा जब हम डिपेंडेंस देखेंगे तो आगे वो थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन किया जाएगा, लेकिन इक्वेशन आप याद रख लेना कि द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉयल्स हैविंग सेल्फ इंडक्टेंस इज एल वन एंड एल टू इज गिवन बाई एम इज इक्वलेंट के स्क्वायर एल वन एंड एल टू बाई के इज कॉल्ड एज द कोफिशियंट ऑफ कपलिंग, इतना आपने याद रखना है। तो इसी तरह अगर आप देखोगे डिपेंडेंस देखोगे, फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं म्यूचुअल इंडक्शन को बिटवीन टू कॉयल्स, दैट्स फैक्टर्स इफेक्टिंग म्यूचुअल, ये भी आप याद रखोगे, इंपॉर्टेंट बात है एज फार एज म्यूचुअल इंडक्शन इज कंसिडर्ड। अब हम देखेंगे कुछ फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं म्यूचुअल इंडक्शन किसी भी दो कॉइल्स के दरमियान, ठीक है ना। तो देखो कुछ जल्दी जल्दी मैं आपको फैक्टर्स बताऊंगा। तो आमतौर पर बेटा देखो जो म्यूचुअल इंडक्शन है ना बिटवीन टू कॉइल्स, वो डिपेंड करता है ऑन द शेप एंड साइज ऑफ द टू कॉइल्स, वो शेप एंड साइज पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना, दैट्स कॉन्फिगरेशन पे सिंपल में डिपेंड करेगा। फर्स्ट फैक्टर कि जो म्यूचुअल इंडक्शन है किसी भी दो कॉइल्स के दरमियान, ये डिपेंड करेगा किस पे, शेप एंड साइज ऑफ द टू कॉइल्स, ठीक है ना, एंड सेपरेशन बिटवीन देम, सेपरेशन बिटवीन देम, दो कॉइल्स के दरमियान कितनी सेपरेशन आपने रखी है, उन दो कॉइल्स की शेप क्या है, उनका साइज क्या है, उन कॉइल्स के दरमियान सेपरेशन है वो कितनी है, एंड परमिएबिलिटी ऑफ मटेरियल ऑफ द कोर इफ एनी, अगर कोर आपने कहीं पे यूज किया है कॉइल्स के दरमियान तो उस पे भी डिपेंड करेगा, दैट्स परमिएबिलिटी ऑफ द कोर, द मटेरियल ऑफ द कोर, जो कोर वहां पे हम यूज कर रहे हैं अगर है कहीं पे तो उसकी परमिएबिलिटी पे, कोर पे भी डिपेंड करेगा, यानी कोर वो है जिस पे एक्चुअली इस कॉइल को वाउंड किया जाता है, उस कोर की परमिएबिलिटी पे डिपेंड करेगा। अपार्ट फ्रॉम दीज फैक्टर्स, इन फैक्टर्स के बावजूद जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है ना दो कॉइल्स के दरमियान, ये डिपेंड करता है अपॉन द मैनर इन विच द टू कॉइल्स आर ओरिएंटेड रिलेटिव टू ईच अदर, आपने किस तरह इन दो कॉइल्स को रखा है, इनकी ओरिएंटेशन है, किस तरह आपने इन दो कॉइल्स को रखा है, इसी ये मेन चीज़ है इसमें, जो मेन डिपेंडेंस है इट डिपेंड्स अपॉन द ओरिएंटेशन, हाउ यू आर प्लेसिंग दीज कॉइल्स विच ईच अदर, किस तरह आप इन कॉइल्स को रखते हो, द मैनर इन विच द टू कॉइल्स आर ओरिएंटेड एक्चुअली वो डिटरमाइन करेगा यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, जो मैं अभी अभी आपको बता रहा था कि आप किस ओरिएंटेशन, किस तरह आप इन दो कॉइल्स को अपनी एक नेबरहुड में रखते हो, वो एक्चुअली हमें एक कंसेप्ट यहाँ पे देगा, उसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, ठीक है ना, दो कॉइल्स के दरमियान। रिमेंबर वो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग किसके बराबर होता है, आपने याद ही रखना है सिंपली, इट इज सिंपली इक्वलेंट एम डिवाइड बाय एल वन इन टू एल टू, वायर एल वन एल टू रिप्रेजेंट सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द टू कॉइल्स एंड एन रिप्रेजेंट म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन देम, इसको कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग कहते हैं, ठीक है ना। तो देखो चूंकि ये तो सिंपल है, शेप साइज दैट्स कॉन्फिगरेशन पे डिपेंड करेगा, और सेपरेशन डिपेंड पे डिपेंड की तो आपने कितनी सेपरेशन दो कॉइल्स के दरमियान, और कोर पे डिपेंड करेगा कैसा कोर लिया है आपने, बिसाइड्स दीज थ्री मेन चीज मैंने आपको बोला वो है ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन मेन चीज ओरिएंटेशन की है, किस तरह आपने ओरिएंट किया है रिलेटेड टू ईच अदर दीज कॉइल्स, किस तरह आपने ओरिएंट, किस तरह रखा है आपने इन दो कॉइल्स को। देखो इसी बेस पे मैं आपको यहाँ पे कुछ चीजें दिखाऊंगा जो वेरी इंपॉर्टेंट है एज वेल एज म्यूचुअल इंडक्शन इज कंसिडर्ड। जब दो कॉइल्स दैट्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल को हम वाउंड करेंगे एक दूसरे पे, एक दूसरे पे वाउंड करेंगे, ये देखो बेटा एक फॉर एग्जाम्पल एक ये मैं कोर लूंगा, तो पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे एक प्राइमरी कॉइल इस पे लगा देंगे, एक कॉइल मैंने यहां लगा दी, ये प्राइमरी कॉइल है, ये पी 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 यहां लिख रहा हूं, ये प्राइमरी कॉइल है, ये हमने प्राइमरी कॉइल इस कोर पे लगा दी। अब हम दूसरी एक और कॉइल लेके आते हैं सेकेंडरी कॉइल, वो भी हम इसी पे लगा देते हैं, इसके ऊपर इसकी वाउंडिंग आती है, इसके ऊपर ये देखो ये सेकेंडरी कॉइल है,
ये देखो दो कॉइल्स मैंने ली, यानी ये ओरिएंटेशन मैं आपको सिखा रहा हूँ कि जब दो प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल को हम वाउंड करते हैं एक दूसरे पे, दे आर वाउंड ऑन ईच अदर, तब जो कोफिशेंट ऑफ कपलिंग होता है ना वो मैक्सिमम होता है इस वक्त। एक्चुअली वॉय है ना, जो यहाँ पे जब कोफिशेंट ऑफ कपलिंग मैक्सिमम होगा तो म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन द टू कॉइल्स इज मैक्सिमम, ठीक है ना। तो इसको बाद हम कहते हैं कि इस दिस इज द केस व्हेन द म्यूचुअल इंडक्शन इज मैक्सिमम, ये वो केस है जिस वक्त म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, इस वक्त एम जो होता है म्यूचुअल इंडक्शन वो होता है मैक्सिमम, इस वक्त म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है मैक्स होता है, मैक्सिमम होता है। तो और इसकी इस म्यूचुअल इंडक्शन को हम फर्दर इंक्रीज कर सकते हैं अगर हम बीच में कोर डाल देंगे, एक कोर डाल देंगे स्पेशली सॉफ्ट आयरन डाल देंगे फर्दर, तो देयर फोर वी कैन इंक्रीज दिस दिस कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, सॉरी वी कैन इंक्रीज दिस म्यूचुअल इंडक्शन बाय दिस व्हेन द टू कॉइल्स आर वाउंड ऑन अ सॉफ्ट आयरन कोर। व्हाई? बिकॉज दो मैग्नेटिक परमेबिलिटी है सॉफ्ट आयरन कोर की बहुत ज्यादा है, तो फॉर दिस रीजन ट्रांसफार्मर भी वाउंड किए जाते हैं इसी सॉफ्ट आयरन कोर पे, तो म्यूचुअल इंडक्शन विल बी ग्रेटर इन दिस केस, है ना। रिमेंबर व्हाई? क्योंकि इस वक्त जो मैग्नेट, जब प्राइमरी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो सारा मैग्नेटिक फ्लक्स किसके साथ लिंक होगा, सेकेंडरी कॉइल के साथ, तो देयरफॉर दैट इज व्हाई म्यूचुअल इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्शन मैक्सिमम होगा, बिकॉज दिस टाइम द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द प्राइमरी कॉइल इज वेरी मच एंड द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी कॉइल इज एक्चुअली हैविंग अ लार्ज वैल्यू, यानी सेकेंडरी जितना मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे प्राइमरी कॉइल के साथ वेरी होगा ऑलमोस्ट उतना ही मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल के साथ वेरी, बिकॉज उसको ऊपर है, तो जितना मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे चेंज होगा उतना ही मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे उसका चेंज हो जाएगा, तो लार्ज अमाउंट ऑफ ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड। तो इन जनरल म्यूचुअल इंडक्शन इन दिस केस इज मैक्सिमम व्हेन द कॉइल्स आर वाउंड ऑन ईच अदर, ठीक है ना। अब सेकेंडरी सेकंड एक और केस में लूंगा, अगर हम दो कॉइल्स को लेंगे इंस्टेड, अगर हम ये वाला केस कंसिडर नहीं करें, अगर हम कॉमन एक्सिस पे दो वायर्स लेंगे लाइक दिस, ये देखो ये प्राइमरी कॉइल में ली मैंने ली और ये मैंने सेकेंडरी कॉइल ली, दिस इज योर प्राइमरी कॉइल एंड दिस इज सेकेंडरी, इनकी एक कॉमन एक्सीज है। इस तरह अगर हम दो कॉइल्स को कपल करेंगे, इस तरह अगर हम लिखेंगे व्हेन द टू कॉइल्स आर प्लेस्ड सो एज टू हैव कॉमन एक्सीज, देन कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग बिटवीन द टू कॉइल्स इज स्टिल वेरी लार्ज, बहुत जो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग के का वैल्यू बहुत इसमें भी अच्छा खासा वैल्यू रखता है, लेकिन उतना वैल्यू नहीं होता है जितना इस फर्स्ट केस में होता था, तो विच विच मीन्स यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन का वैल्यू भी बहुत ज्यादा होगा लेकिन उतना नहीं होगा जितना यहाँ पे होगा, विच मीन्स इस केस में भी गुड वैल्यू we are having a mutual induction is having a good value here, and if mutual induction between the two coils is lesser than the first case, but it is in case yeah, is mein mutual induction kam hogi when jab hum in coils ko actually along the same axis pa rakhte hain, ek aur rakhte hain agar hum is tarah rakhenge, ek coil ko maine is tarah rakha और दूसरी कॉइल को मैंने इस तरह रखा, व्हेन द एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये आपकी प्राइमरी कॉइल है आपकी सेकेंडरी, इसमें इसकी एक्सिस यहाँ से जाएगी इसकी एक्सिस यहाँ से जाएगी, तो देयरफॉर जब हम इस अरेंज जैसे हम जैसा जब हम कॉइल्स को इस अरेंजमेंट में रखेंगे, सो देन व्हेन द टू कॉइल्स आर प्लेस्ड सच दैट देयर एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग इज मिनिमम, इस केस में कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या होगा मिनिमम होगा, हेंस म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन द टू कॉइल्स इज मिनिमम व्हेन दे आर प्लेस्ड विद देयर एक्सिस परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो यहाँ पे एम आपका मिनिमम होगा, तो यहाँ पे एम इंटरमीडिएट होगा, रिमेंबर बेटा दिस थिंग, यहां पे के मैक्सिमम होगा, कपलिंग मैक्सिमम होगी, यहां पे के मिनिमम होगा, यहां पे भी के इंटरमीडिएट होगा, ठीक है ना। तो रिमेंबर दिस थिंग वंस अगेन, देखो ओरिएंटेशन पे कितनी डिपेंडेंस है, अगर दो कॉइल्स एक दूसरे पे रखी गई है तो इस वक्त म्यूचुअल इंडक्शन मैक्सिमम है बिकॉज कपलिंग मैक्सिमम है, सारा मैग्नेटिक फ्लक्स इसके साथ लिंक हो जाएगा तो उसकी वजह से म्यूचुअल इंडक्शन मैक्सिमम है, लेकिन अगर हम कॉइल्स को इस तरह रखेंगे इनकी एक्सिस जब परपेंडिकुलर होगी एक दूसरे के साथ, तो बेटा रिमेंबर इसमें म्यूचुअल इंडक्शन मिनिमम होगा क्योंकि इस वक्त जितना मैग्नेटिक फ्लक्स यहां पे प्रोड्यूस होगा बहुत कम मैग्नेटिक फ्लक्स इसके साथ लिंक होगा, तो देयरफॉर इस केस में मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, तो देयरफॉर म्यूचुअल इंडक्शन कम होगी, इन टर्न कपलिंग कम होगी, जब कपलिंग कम होगी तो म्यूचुअल इंडक्शन कम होगी, तो ये इंटरमीडिएट केस है जब एक ही एक्सिस पे दोनों कॉइल्स है, इसमें एक्चुअली इससे कम म्यूचुअल इंडक्शन होगी लेकिन इससे ज्यादा होगी, तभी इंटरमीडिएट है बिकॉज इसमें अच्छा खासा मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ लिंक हो जाएगा, तो देयरफॉर उसके साथ कपलिंग में इंटरमीडिएट लेवल की होगी, तो म्यूचुअल इंडक्शन भी इंटरमीडिएट लेवल की होगी, सो दिस इज डिपेंडेंस अपॉन द ओरिएंटेशन। तो आमतौर पर हमें जब म्यूचुअल इंडक्शन मैक्सिमम चाहिए होती है तो हम ये वाला केस, तो ट्रांसफार्मर में हम देखेंगे कि ये वाला केस यूज किया जाता है, जब हमें म्यूचुअल इंडक्शन कम चाहिए तो हम ये वाला केस, इंटरमीडिएट में हम ये वाला केस यूज कर सकते हैं।